हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले एमजी की तरफ से आने वाली एक न्यूली लॉन्च कार जो कि रहेगी एस्टर। हमने इसकी पिछली वाली वीडियो के अंदर इसका एक्सटीरियर लुक कवर कर लिया था। आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका इंटीरियर लुक। लेकिन उससे पहले अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 110 PS की पावर निकालता है एंड 144 Nm का टॉर्क। ये आपको मैनुअल या फिर सीवीटी गेयरबॉक्स के साथ मिल जाएगा। दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये रहेगा 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 140 पीएस की पावर निकालता है एंड 220 एनएम का टॉर्क। ये आपको खाली 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा। अब एमजी एस्टर के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, ABS पर CVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री व्यू कैमरा, फॉरवर्ड कलिजन वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं। अगर आपको इसका एक्सटीरियर लुक देखना है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर के अंदर आपको इसके अंदर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि रहेंगे रेड विद ब्लैक इंटीरियर, बेज विद ब्लैक इंटीरियर एंड ऑल ब्लैक इंटीरियर। जो आप देख रहे हैं ये इसका रेड विद ब्लैक इंटीरियर। फीचर्स की तरफ देखें तो इसके अंदर आपको 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है एंड लेदर पॉलिश मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। अब ड्राइवर साइड डोर की तरफ देखें तो इसके अंदर आपको एक सिल्वर फिनिश मिल जाती है एंड इसी के नीचे आपको ऑल 4 पावर विंडोज एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs के कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको रेड कलर की लेदर पॉलिश मिल जाती है विद वाइट स्टिचिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रही है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये आपको लेदर ऐप मिलेगा। इसके लेफ्ट साइड में आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जाती है एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। एस्टर के अंदर आपको 3 स्टेयरिंग मोड्स मिल जाते हैं जो कि रहेंगे नॉर्मल, डायनेमिक एंड अर्बन। इसी के सामने आपको 7 इंचेस की एक बड़ी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आ जाता है इस कार का मेन फीचर जो कि रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट। ये बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि आज तक आपको किसी भी कार के अंदर नहीं मिला होगा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट आपसे कॉम्युनिकेट कर पाएगा। ये आपको जोक्स एंड न्यूज़ बताएगा, साथ ही साथ आपसे चिट चैट टॉक्स करेगा। ये बेसिकली आपका एक कंपेनियन है जो कि आपको हेल्प करेगा अगर आप अलोन ड्राइविंग करते हैं तो। ये आपका डैशबोर्ड पर प्लेस रहेगा एंड इसी के नीचे आपको AC वेंट मिल जाती है विद सिल्वर सराउंडिंग। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 10 इंचेस की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ एंड USB को सपोर्ट करती है। इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको वॉइस कमांड एंड काफ़ी सारे कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाएंगे। इसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 वोल्ट पावर सॉकेट एंड 2 USB पोर्ट भी आ जाएंगे। जो आप वेरियंट देख रहे हैं ये है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको फ्रंट आर्मरेस्ट एंड 2 बॉटल होल्डर्स भी आ जाएंगे। सीट्स के लेदर पॉलिश की बात करें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा एंड साथ ही साथ आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा। अब पैसेंजर साइड एरिया की बात करें तो आपको कार काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एंड कम्फर्टेबल लगेगी एंड यहाँ पर आपको सर्कुलर AC वेंट्स मिल जाएंगे। रूफ से देखें तो इसके अंदर आपको ग्रैब हैंडल, मैनुअल DNI DRVM एंड 2 केबिन लैंप्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक मेन फीचर मिल जाएगा जो कि रहेगा पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ आपको काफ़ी सारी कार्स के अंदर मिल जाता है इस प्राइस ब्रैकेट में, जैसे कि टाटा हैरियर, ह्यूंडई क्रेटा एंड MG हेक्टर। अब रियर साइड से देखें तो एस्टर के अंदर आपको ऑल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ओवरऑल रियर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशियस कैबिन मिल जाएगा। एंड अच्छी बात यह है कि एस्टर के अंदर आपको काफ़ी सारे इंटीरियर ऑप्शन मिल जाते हैं एंड उस हिसाब से आप अपना इंटीरियर चूज़ कर सकते हैं। तो रियर से कुछ ऐसा आता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक एंड अगर नीचे से देखें तो फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेगरूम मिल जाता है एंड अगर रियर डोर की बात करें तो इसके अंदर आपको पावर विंडो के कंट्रोल, बॉटल होल्डर एंड एक सिल्वर फिनिश मिल जाती है। अब रूफ से देखें तो पैनोरामिक सनरूफ की वजह से इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एयरी फीलिंग आएगी एंड साथ ही साथ आपको इसका सनरूफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन आपको रियर डोर्स के अंदर भी रेड कलर की लेदर पॉलिश विद वाइट स्टिचिंग मिल जाती है एंड अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 448 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा जो कि मोर देन सफिशिएंट रहेगा। सो यही था MG एस्टर का फुल इंटीरियर लुक। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।